बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में संत रविदास के जन्म स्थली पर हाईटेक म्यूजियम का निर्माण होगा। 24 करोड़ की लागत से वाराणसी के सिर गोवर्धन में ऐसा म्यूजियम बनेगा जिसमें लाइट साउंड शो के जरिए संत रविदास के जन्म गाथा को लोग जान पाएंगे। इसके साथ ही म्यूजियम लोगों को यहाँ बेगमपुरा का एहसास भी कराएगा। 4000 वर्ग मीटर में इस हाईटेक म्यूजियम का निर्माण होगा। इस म्यूजियम में डिजिटल चित्र और चलचित्र के जरिए संत रविदास के जन्म जीवन से जुड़ी गाथा को लोग देख सकेंगे। इसके अलावा इस म्यूजियम में उनके जीवन के अनछुए पहलुओं की जानकारी भी भक्तों को मिलेगी। चलचित्र के अलावा ग्राफिक्स और ऑडियो वीडियो माध्यम से भी उनके जीवन गाथा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस म्यूजियम में प्रशासनिक भवन, जनसुविधा केंद्र, कैफेटेरिया और श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था भी होगी। संत रविदास के जयंती से पहले सरकार के बड़े तोहफे से रैदासियों में खुशी का माहौल है। वाराणसी रविदास मंदिर के प्रबंधक चरणवीर सिंह ने बताया कि संत रविदास के इस जन्मस्थली पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यहाँ म्यूजियम के निर्माण के बाद लोग संत रविदास की गाथा को और उनके जीवन के तमाम पहलुओं को अच्छे से जान और समझ सकेंगे। हाँ, म्यूजियम बनने जा रहा है। पहले ये सरकार ने 5 करोड़ रुपए कहते हैं इशू किए थे इस काम के लिए, लेकिन हमने आज पढ़ा है 20 करोड़ रुपए जारी कर दिया म्यूजियम बनने के लिए। कितना खास होगा अगर ये बन जाएगा, जो रविदासी भक्त हैं उनके लिए कितना अच्छा रहेगा? रविदास भक्तों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। जो यात्री जहाँ से आते हैं दर्शन करने आते हैं उनके लिए एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। म्यूजियम में रविदास महाराज की जीवनी होगी, उनका रहन सहन कैसा था, वो उनके पैरोकार कौन कौन थे, उससे लोगों की जानकारी भी पड़ेगी। कितना बड़ा ये म्यूजियम होगा? सरकार ने तो काफ़ी लिखा है, उसमें लिखा है अभी 4 बड़े हाउस होंगे उसमें जिसमें म्यूजियम बनेगा। काफ़ी बड़ा होगा, अगर 25 करोड़ पे लगाना है तो काफ़ी बड़ा होगा।